अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कमेंट्स या रिमार्क्स। विजुअल बेसिक का चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक है ये। कमेंट्स या रिमार्क्स से क्या होते हैं? आर द वर्ड्स और सेंटेंसेस रिटन इन द प्रोग्राम टू एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द कॉल। यानी कि ये वर्ड्स एंड सेंटेंसेस की फॉर्म में आप लिख सकते हैं, किस मकसद के लिए? अपने कॉल का पर्पस एक्सप्लेन करने के लिए लिखते हैं। इट कैन बी यूजफुल इन फ्यूचर फॉर एनी वन टू अंडरस्टैंड द कॉल बाय रीडिंग द कमेंट्स। जब भी फ्यूचर में हमने कोई भी पोर्शन जो था वो बना के देते हैं किसी को, उसके बाद उसमें अगर चेंजेस करवानी हो तो कोई भी दूसरा प्रोग्रामर जो है वो आपके कमेंट से ही देख लेता है कि कोड जो है वो क्या काम कर रहा था या क्या लॉजिक आपने इसकी बनाई है। तो ये चेंजेस के लिए या उसकी डिबगिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। कमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय विजुअल बेसिक। जब हम कमेंट्स लिखते हैं तो विजुअल बेसिक इसे एग्जीक्यूट नहीं करती, इसे कोड नहीं समझती, इसमें से एरर वगैरह नहीं निकालती। कैन बी एडिट एनी वेयर इन द कोड एंड स्टार्ट विद अपोस्ट्रोफी। यानी कि आप अपोस्ट्रोफी लिख के जो भी लिखेंगे वो कमेंट समझा जाता है। आप इसे अपने कोड में कहीं भी लिख सकते हैं, इसका कोई रूल नहीं है। एनी थिंग रिटन इन ऑन द राइट साइड ऑफ अपोस्ट्रोफी इज कंसिडर एज कमेंट। जो भी आपने अपोस्ट्रोफी से राइट साइड भी लिख लिया वो एक कमेंट समझा जाएगा और जो आपका कंपाइलर है वो इसे इग्नोर कर देगा, इंटरप्रेटर। रैम REM इज ऑल्सो यूज इंस्टेड ऑफ अपोस्ट्रोफी। यानी कि अपोस्ट्रोफी की बजाय आप REM ये जो वर्ड है ये भी लिख के उसके बाद जो है कमेंट्स वो ऐड कर सकते हैं। ऑल कमेंट्स अपीयर इन ग्रीन कलर इन कॉर्ड विंडो। जब कॉर्ड विंडो में हम कमेंट्स लिखते हैं तो वो ग्रीन कलर के आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल इसकी क्या है, अब ये देखें, आपने अपोस्ट्रोफी लगाई है, दिस लाइन इज ए कमेंट, या REM लिखेंगे दिस लाइन इज ए कमेंट, तो ये क्या है, ग्रीन कलर की हो जाएगी और ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। विजुअल बेसिक में ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, यानी कि इसमें आप जो भी अपनी समझ के लिए जो भी लिखना चाह रहे हो लिख सकते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को कमेंट्स का पता चल गया होगा ये हम क्यों लिखते हैं। ये हम इसलिए लिखते हैं ताकि जब भी हम बाद में अपना कोड देखें तो हमें इसका पर्पज़ समझ आ जाए कि ये हमने किस मकसद के लिए, क्यों हमने ये लॉजिक बनाई थी। क्योंकि कोडिंग जब हम करते हैं कुछ अर्से बाद एक प्रोग्रामर जो है वो अपना कोड भी दोबारा देखे तो उसे समझ नहीं आती कि मैंने क्या किया हुआ है, तो इसलिए कमेंट्स जो है वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाते हैं इस काम के लिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।